नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है बेस्ट लार्ज कैप फॉर 2024। आप प्लान कर रहे हैं म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए और लार्ज कैप लेना चाहते हैं, किस किस कैटेगरी के लोगों को लार्ज कैप लेना चाहिए वो आगे बताता हूँ। 2024 और उसके आगे भी लार्ज कैप लेके छोड़ दिए तो कितना रिटर्न हो सकता है और कितना रिटर्न दिया है, आज का टॉपिक यही है। सबसे पहला, अगर आपका टारगेट अचीव हो गया है, जितना पैसा बनाना था म्यूचुअल फंड से बना लिया, अब थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हैं तो स्विच करके लार्ज कैप में डाल दिया, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एज आपका 50-55 हो रहा है और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप में लगा के निरंतर चलते रहेगा। एफडी से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस से, बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। यदि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और रिटर्न जो है सेफ सेफर से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, 10 से 12% रिटर्न चाहिए, तो इस तरह के कैटेगरी के लोगों को लार्ज कैप में डालना चाहिए। अब यहाँ पे मैं हमेशा सेलेक्ट करता हूँ, लार्ज कैप भी सेलेक्ट करूँगा तो एईएम वाइज प्रेफर करता हूँ मैं, ना कि रिटर्न वाइज। रिटर्न वाइज कभी भी नहीं देखना है। ज़्यादातर इन्वेस्टर के साथ गलती ये होता है और पैसा नहीं बनता है लंबे समय में, वो 1 साल 2 साल का रिटर्न देखते हैं और उस वैसे फंड में पैसा लगा देते हैं। एईएम ज़्यादा अच्छा नहीं होता है तो वहाँ पर फंड मैनेजर भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए आपको परसेंटेज वाइज ना देख के एईएम वाइज देखना है। तो यहाँ पे अब लार्ज कैप में पहले देखते हैं, पहले तो मैं वन टाइम दिखाता हूँ, फिर एसआईपी, फिर पेंशन। तीन तरह का चीज होता है, एक तो वन टाइम कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं, और तीसरा है कि पेंशन लेना है, ऑप्ट करना है। तो तीनों तरह का हम स्टार SIP.in में गए, 4 नंबर पे है लार्ज कैप कैटेगरी। सबसे पहले नंबर पे आते हैं, अभी तो परसेंटेज वाइज है, निपोन इंडिया लार्ज कैप, मेरा एसेट लार्ज कैप, SBI ब्लू चिप, 10 लाख का पिछले 10 साल में, एक ने बनाया 48 लाख, 17% का रिटर्न, 46 लाख, 16% का रिटर्न, और 15% का रिटर्न से SBI का है 42 लाख रिटर्न। यहाँ पे अगर हम AUM वाइज सेलेक्ट करते हैं तो लगभग यही सब फंड ऊपर आ जाता है। AUM वाइज में देखते हैं, ICIC ब्लू चिप के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, 41,000 करोड़, 10 लाख का कितना बनाया है यहाँ पे, 42 लाख रुपया, 15.55 का रिटर्न दिया है। SBI ब्लू चिप ने 2013 से लेकर अब तक 10 लाख रुपया का इधर उधर प्लॉट फ्लैट नहीं लिया, यहाँ 10 लाख लगाया। SBI ब्लू चिप के प्लॉट ने 42,90,000 बनाया है, 10 साल में 15% का रिटर्न दिया है। तो ये दो तीन फंड जो है इसमें बराबर बराबर करके, मेरा एसेट ने तो दिखाया ही है 46 लाख रुपये बनाया है, बराबर बराबर करके इसमें लगा सकते हैं। अगर हम SIP का बात करें कि लार्ज कैप में ही SIP किया, किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यूलिप प्रोडक्ट से ये ज़्यादा बेहतर होगा। आप सब जगह का बंद कीजिए, और अगर लार्ज कैप में भी करते हैं तो बाकी कोई भी प्रोडक्ट हो म्यूचुअल फंड को छोड़ करके, म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप ज़्यादा अच्छा करेगा। यहाँ पे हम अगर पिछले 15 साल में 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ का बात करते हैं तो पहला फंड आता है मीरा एसेट लार्ज कैप, 18 लाख जमा हुआ है 2009 से लेकर अब तक, लार्ज कैप कैटेगरी में 64 लाख रुपया बनाया है। किसी इंश्योरेंस कंपनी, किसी यूलिप ने इतना नहीं दिया होगा। अगर किसी यूलिप ने दिया है तो आइए हमारे चैनल पे बताइए कि इस यूलिप ने 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। दूसरा फंड है निपोन इंडिया लार्ज कैप, 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ का प्रीमियम कहीं देते थे, बंद कीजिए, यहाँ पे डालना शुरू कीजिए, 18 लाख रुपये का बनाया है, 64 लाख रुपया, 15.55 का। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, अरे इंश्योरेंस किए थे उसमें इंश्योरेंस भी तो है, ऊपर चले जाएंगे तो खट से पैसा भी तो उड़ेल के दे देगा। मैं ये बोलता हूं कि 10 हज़ार रुपये पर मंथ जो करते थे वहां आप 9,000 ही कीजिए, यहां पे बचा 1-1,000 रुपया, साल का 12,000, 12,000 का एक टर्म प्लान ले लीजिए 2 करोड़ का। अब मरेंगे तो कितना मिलेगा, टर्म प्लान लिए 2 करोड़ का, 2 करोड़ मिल जाएगा, और ये भी पैसा मिलेगा अलग से। जिंदा रहे तो, इंश्योरेंस में जिंदा रहे तो कुछ नहीं मिलेगा, जो जमा है वही मिलेगा, तो यहां कितना पैसा बन सकता है। तो दोनों को सेपरेट रखना है। आप कहेंगे कि इंश्योरेंस भी है, इन्वेस्टमेंट में इसी तरह से खिचड़ी है, नहीं खाना है, अलग अलग सेपरेट करके रखिए। बहुत ज़्यादा पैसा है, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, सबको खुश करना है, हमारा साला भी एजेंट है, वो भी एजेंट है, बगल वाला भी एजेंट है, सबको देना है, देते रहिए। लेकिन जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, आप अपने पैसे को जमा करते 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 फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो सही तरीका नहीं है कि आप इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट मान के बैठे हैं। अगर इंश्योरेंस में कोई चीज़ लेने लायक है तो वो है सिर्फ टर्म प्लान, जिसके बारे में कोई इंश्योरेंस कंपनी और कोई एजेंट नहीं बोलता है। फिर आता है ICICI ब्लू चिप, 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ, 18 लाख जमा हुआ और पैसा आवा है 62,62,000, 15% के रेट से। तो ये दोनों चीज हो गया, वन टाइम और SIP। अब हम बात करते हैं पेंशन।
हमेशा मैं बैलेंस कैटेगरी का बात करता था, अगर यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी में बात करते हैं कि पैसे को हम लार्ज कैप कैटेगरी में रख देते हैं, 1 करोड़ रुपया है, बहुत लोग बोलते हैं आप बड़ा बड़ा फिगर बताते हैं, अरे तो starsap.in पे जाके जितना सुनना काटना है काट दो ना भाई, 100 रुपया मिनिमम से इन्वेस्टमेंट होता है, जितना सुनना काटना है काट दो, थोड़ी हाथ पकड़ के बैठे हैं। starsap.in 6 नंबर मेन्यू में गए, 1 लाख 2 लाख 50,000 30,000 जितना लिखना लिख लो, हम बताने के लिए 1 करोड़ रुपया बता रहे हैं। 1 करोड़ रुपया लगाया, पिछले 10 साल का बात है, 60,000-60,000 रुपये पर मंथ लिया लार्ज कैप कैटेगरी से, तो ICICI पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट बैलेंस कैटेगरी में हैवरी डिग्रीशिप में 1 करोड़ रुपया रखा और 60,000-60,000 रुपये पर मंथ अगले ही महीने से इमीडिएट, ये चल रहा है दिसंबर, 1 जनवरी से पैसा आना शुरू हो गया। कब? 1/1/2013 में लगाया था, 1 फरवरी 2013 से 60,000-60,000 रुपये लेना शुरू कर दिया, तो कितना ले लिया? 79 लाख ले लिया, मतलब लगभग 80 लाख ले लिया, बैलेंस बचा है 4,88,00,000। आप कहेंगे ये तो बैलेंस फंड से ज़्यादा अच्छा है, अब आप लार्ज कैप में घुसे हैं तो ज़्यादा दिख रहा है, स्मॉल कैप में जाएंगे तो और ज़्यादा बवंडर हो जाएगा। 4,88,00,000 लार्ज कैप ने बैलेंस फंड से ज़्यादा रिटर्न दिया है, हाइब्रिड एग्रीसिप से ज़्यादा दिया है, क्यों दिया है इसका भी रीजन है, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप यहाँ पे बैलेंस कैटेगरी या हाइब्रिड एग्रेसिव का बात करते हैं, यहाँ पे पैसा है 65-80% तक इक्विटी में, इसका मतलब बताऊंगा, पहले लार्ज कैप में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लार्ज कैप में ऊपर लिखा हुआ है कि अप टू 80% तक, यहाँ पे देखते हैं एच फॉर एमफी से भी डेफिनेशन क्या है कि लार्ज कैप किसको बोलेंगे, लार्ज कैप बोलेंगे यहाँ पे होगा लार्ज कैप एटलीस्ट 80% इन्वेस्टमेंट इन लार्ज कैप स्टॉक, मतलब लार्ज कैप में 80% मिनिमम होना चाहिए, इसका मतलब यह है लार्ज कैप में 80% होगा, बाकी मतलब 79% नहीं हो सकता है, फंड मैनेजर चाहे कि चलो 70% लार्ज कैप स्टॉक में लगाएंगे, नहीं, 80% पैसा, 1 लाख लगाएं तो 80,000 लार्ज कैप स्टॉक में होगा, 20,000 जो बचा वो डेट में लिक्विड में मिला जुला के कहीं रखिए। हाइब्रिड एग्रेसिव में क्या बोलते हैं, 65-80, मतलब एक विंडो दे दिया है, चाहे तो 65,000 तक रख सकते हैं इक्विटी में, 70,000-75,000-80,000 तक रख सकते हैं, 80,000 से ज्यादा नहीं रख सकते। यहां पे परसेंटेज का मतलब समझिए क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 80% इन्वेस्टमेंट इन लार्ज कैप स्टॉक, एटलीस्ट, कम से कम, ज्यादा कर सकता हूं, आपका 80,000 भी झोंक सकता हूं, 1 लाख लगाया है, 80,000 भी झोंक सकता हूं, 85 भी झोंक सकता हूं, 90 भी झोंक सकता हूं, 1 लाख का 1 लाख का मार्केट में पैसा लगा सकता हूं, डेट को नहीं लूंगा, एटलीस्ट का मतलब ये हुआ। अब 65-80 में क्या बोलते हैं, 65-80% तक, मतलब 80 से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, 65 से कम नहीं लगा सकते हैं, 80 से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, मतलब अगर 70 लगाया तो 70 इक्विटी में हुआ और 30 डेट में हुआ, डेट मतलब डिबेंचर खरीदा, कर्ज पे पैसा दिया, वो पैसा आएगा, वो मार्केट का घुरपुर हिलचुल जो है, ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है, शेयर बाजार, ये हो गया शेयर बाजार और ये हो गया फिक्स, 8%, 10%, 12% पे अगर दिया कंपनी को डेट, वो डेट के हिसाब से चलेगा, कर्ज के हिसाब से चलेगा, किस रेट पे पैसा दिया वो सेफ है, डेट के तरह, ये मार्केट के तरह डेट नहीं चलेगा, हलचल रोज नहीं होगा इसमें, और जबकि यहाँ पैसा लगाया तो हलचल होगा। तो लार्ज कैप में रिटर्न आपको ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि इक्विटी में प्रोसेशन ज़्यादा है, 80% भी है, 90 भी हो सकता है, कोई कोई फंड ऐसा होगा कि 90% भी किया होगा, लेकिन हाइब्रिड एग्रेसिव आपको कम रिटर्न दिया क्योंकि यहाँ पे इक्विटी में एक्सपोजर ज़्यादा है, इसीलिए कहते हैं इक्विटी में पैसा रखेंगे लंबा समय देंगे तो पैसा ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि हाइब्रिड एग्रेसिव ने यहाँ पे अगर SWP किया, दूसरा है क्वांट एब्सोल्यूट फंड, 1 करोड़ रुपया लगाया 2013 से लेके अब तक, तो 60,000-60,000 रुपये करते बैलेंस बचा है 4,85,00,000, ये तो मैंने परसेंटेज वाइज देखा। अगर हम AUM को टच कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा जिसके पास है वो ऊपर आ जाता है, इसमें कौन सा आ गया, ICICI और दूसरा है SBI ब्लू चिप। SBI ब्लू चिप में 1 करोड़ रखा, 60,000-60,000 रुपये पर मंथ लिया तो 4,37,00,000 बैलेंस बचा है, कितना खा गए वापस, लगभग 80,00,000, दोनों को मिलाते हैं जो खाया और जो बैलेंस बचा 5,56,00,000 रुपया होता है, 10 साल का बात है, 1 करोड़ रुपया रखा, कुछ पैसा खाया, कुछ बैलेंस बचाए, दोनों मिला के 5 करोड़ रुपया बनाए, 10 साल में 5 गुना लार्ज कैप कैटेगरी ने किया है,
स्मॉल कैप 10 गुना किया है, वो तो देखे ही हमेशा। तो इस तरह से करके आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, लार्ज कैप में कितना रखना चाहिए। आप ये जान लीजिए कि आपके पास पैसा बैंक में, पोस्ट ऑफिस में है और आपको 10 साल ज़रूरत नहीं है और रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेना चाहते, तो लार्ज कैप कैटेगरी में आपको पैसा रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर बाद में ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका थोड़ा ट्राई करते हैं जवाब देने के लिए। 80 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है स्मॉल एंड मीडियम कैप में, तो क्या करें? इसके लिए मैं यहाँ पे बनाया हूँ कि आप 3 एक्टिव फंड लीजिए, और एक्टिव फंड स्मॉल कैप अगर लेते हैं तो वहाँ पे लमसम पैसा नहीं होता है, तो STP करना है, मैक्सिमम STP जितना होता है, ऐसे करके 15 लाख रुपया करके 3 एक्टिव फंड में, 45 लाख हो गया, 15 लाख रुपया एक इंडेक्स फंड में, और 10-10 लाख रुपया करके 2 मिड कैप में लगाएंगे। इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मैं रहता आपके जगह पे तो कैसे करता, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में STP, SBI स्मॉल कैप में STP, DSP स्मॉल कैप में लमसम ले रहे हैं तो लमसम लगा के छोड़ देंगे। आपने ड्यूरेशन नहीं बताया कितने समय के लिए रखना है, मैं मान के चलता हूँ 10-12 साल 15 साल रखेंगे, तो ये हो गया स्मॉल कैप। अगर हम इंडेक्स फंड का बात करें या पहले मिड कैप का बात करते हैं, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी और कोटक इमर्जिंग, इसमें आप बराबर बराबर करके 10-10 लाख रुपया करके 2 लगा सकते हैं। और एक इंडेक्स का अगर बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी या फिर SBI निफ्टी स्मॉल कैप, इंडेक्स में तो ज़्यादा चक्कर है ही नहीं, SBI का स्मॉल कैप इंडेक्स 250 लेके 15 लाख रुपये यहाँ लगा के छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से करके 80 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन, या आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं जैसा कि आपने लिखा है स्मॉल कैप मिड कैप में रखना है और लंबे समय के लिए रखना है, तो इस तरह के कैटेगरी में डाइवर्सिफिकेशन करके लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा क्लोज फ्रेंड कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना है FNO में, और वो बोल रहे हैं कि 3-4% पर मंथ रिटर्न गारंटी दे देंगे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास जो थोड़ा बहुत पैसा है, शुरू में लालच के चक्कर में आप सोचेंगे 3% पर मंथ है, 12-36% हो गया, वो स्मॉल कैप तो 20-22% रिटर्न दे रहा है, बिल्कुल ही नहीं करना है ये सब। तो आपको ये बिल्कुल ना करके स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैसा निकालना चाह रहा हूँ तो किससे पैसा निकालूं, जो सबसे ज़्यादा बढ़ गया है उससे निकालूं या किससे निकालूं, ये कन्फ्यूजन है। मान लेते हैं कि आपने लार्ज कैप, बैलेंस कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में रखा है, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ मिड कैप स्मॉल कैप में लंबे समय में ज़्यादा पैसा बनेगा। आपके पास लार्ज कैप, मल्टी कैप, बैलेंस फंड में पैसा है तो वहाँ से निकालिए, मुझे बताया ही नहीं कि आपने कहाँ कहाँ लगाया है, उससे निकालिए। यदि मैं ये मान के चलता हूँ आपके पास 2-3 स्मॉल कैप ही है, SBI निपॉन है, HDFC है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बढ़ा होगा आप उसको निकाल लीजिए, क्योंकि आज जो बढ़ा हुआ है हो सकता है कि अगले साल वो बढ़ा हुआ ना हो, कोई और बढ़ा हुआ हो, तो जो सबसे कम है रिटर्न उसको नहीं निकालना है, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न है, अगर स्मॉल कैप कैटेगरी है या लार्ज कैप कैटेगरी है या फिर एक ही कैटेगरी की मैं बोल रहा हूँ मिड कैप कैटेगरी है, जो सबसे अच्छा रिटर्न दिया उसको निकाल लीजिए। लेकिन मिक्स है आपके पास, एक लार्ज कैप है, एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है, तो फिर तो आप लार्ज कैप से पैसा निकालिए, क्योंकि स्मॉल कैप लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न देता है, दिया है। एक ही कैटेगरी का है तो सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न जो दिया हो उससे पैसा निकाल लीजिए। अगला है, राजू भैया प्लीज 15 साल के लिए 6-6 हजार रुपए पर मंथ का प्लान बताइए। 6-6 हजार रुपए पर मंथ में जाना है तो यहां पे देखिए, मैं 2-2 हजार रुपए का 3 स्मॉल कैप जो टॉप में स्टार SIP में आपको दिखता है 3 पिछले 10 साल में AUM वाइज 2-2 हजार रुपया करके 3 ले लीजिए। एक मैं रिकॉर्ड दिखा देता हूं, SBI स्मॉल कैप का बात करते हैं, 6 हजार रुपए पर मंथ सिंस इंसेप्शन 2009 से लेके अब तक 14 साल बीत गया, आपने बोला 15 साल, यहाँ पे 14 साल का दिखा रहे हैं रिकॉर्ड कि 6-6 हजार रुपये पर मंथ किया तो 10,32,000 जमा हुआ और 62 लाख रुपया बना है 22% के रिटर्न से। इतना पैसा हो सकता है क्या फ्यूचर में? पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ इसका आधा हो, 30 लाख रुपया हो, तब कितना रिटर्न होगा? कि आप 6-6 हजार रुपये पर मंथ किए 15 साल तक और 12% का भी रिटर्न मिले तो 30,27,000 बनता है। लेकिन यदि आप सेफेस्ट में बैंक पोस्ट ऑफिस करते रहे तो 7% के रेट से पैसा कितना बनता है? 19,12,000। तो इस तरह से करके आप एनालाइज कीजिए और अपने पैसे को बेहतर जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार शुरुआत करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। आने वाले 17 दिसंबर को YouTube पे मैं लाइव होने जा रहा हूँ,
YouTube पे वीडियो के साथ साथ कमेंट्स में आप डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवाल का जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो WhatsApp यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें, YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।